हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम चर्चा करेंगे BA पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। क्रमशः हम उसमें रूसो की सामान्य इच्छा पर चर्चा करेंगे। आज रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है, जो इस प्रकार है। यथार्थ इच्छा, सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। हम आशीर्वादम के शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, ये संकुचित तथा स्वविरोधी है। अब हम आदर्श इच्छा के बारे में बात करेंगे। इस आदर्श इच्छा, इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। आशीर्वादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है और यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। जहाँ तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। आशीर्वाद के शब्दों में सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसांग के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि है। दांते ने इसे समुदाय की श्रेष्ठ भावना कहा है। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है और जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, मतदाताओं की संख्या से कम अथवा तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण, इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सब की इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुँचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टि से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थ में इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएँ परिष्कृत हो जाती है और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा की विशेषताएँ, सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं और लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सामान्य इच्छा से सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जा सकती हैं। पहली है अखंडता। सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी अखंडता, एकता या अखंडता है। यदि भी सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है, किंतु विवेकयुक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरी विशेषता है अदेयता। सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अदेयता, जिसका तात्पर्य यह है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।
इसी आधार पर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने की योग्य नहीं होती, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इच्छा व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या है। तीसरी विशेषता है अविच्छेदता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग कर सकना संभव नहीं है। चौथी विशेषता है सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। पांचवा, स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति है और विवेक का परिणाम होती है। लॉर्ड के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह न तो सार्वजनिक आवेश की आंधियों में मिलती है और न ही राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में। छठी विशेषता है इसकी, बच्चों, लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारी पूर्ण नहीं होता। सातवीं विशेषता है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। ये इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क और विवेक पर आधारित होती है। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है।